स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफी सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ा दिए हैं और आज हम आपको अपनी लास्ट मॉडल वर्ब नीड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी आज हम आपको यूज ऑफ नीड पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीड का यूज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे नीड का जो यूज होता है वो भी दो तरह से होता है। कैसे कैसे होता है वो हम आपको आज बताएंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नीड का यूज हम कब करते हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी वाक्य में जरूरत है, आवश्यकता है या चाहिए का सेंस आता है तब हम उस वाक्य में नीड का यूज करते हैं। ठीक है, किन किन चीजों के लिए किया जाता है? जरूरत है, आवश्यकता है या चाहिए का सेंस यदि हमारे किसी हिंदी वाक्य में आता है तो जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हम इन तीनों शब्दों के लिए नीड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे भी हमारा जो नीड का यूज होता है वो हमारा दो तरह से होता है। जैसे हमने आपको डेयर का यूज पढ़ाया था, डेयर का यूज हमारा दो तरह से होता है, इसी तरह से हमारा नीड का यूज भी दो तरह से होता है। कैसे कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला है कि नीड का जो यूज है हमारा वो एज ए मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, यानी नीड का यूज हमारा एक तो मेन वर्ब के रूप में होता है। मेन वर्ब जानते हैं, मेन वर्ब यानी कि जो हमारे सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, जो हमारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आती है, उसके रूप में होता है। ठीक, और दूसरा हमारा होता है एज ए मॉडल वर्ब, और दूसरा हमारा नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में होता है। मॉडल वर्ब के रूप में जब हमारा नीड का यूज होता है तो समझ लीजिए जैसे कि हमारा नीड का यूज खुद ही, नीड जो है हमारे यहाँ पे खुद ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे नीड हमारा खुद ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है और यहाँ पे हमारा जो नीड है वो हमारा मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक, क्लियर। अब दूसरी चीज देखिए इसमें, दूसरा है हमारा कि जब हमारे नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो उसके साथ में हमारा टू का यूज होता है। ठीक है, जब नीड मेन वर्ब के रूप में होगा तो हम नीड के साथ में टू का यूज करेंगे, यानी मेन वर्ब के रूप में हम नीड टू का यूज करते हैं। ठीक, बट जब हम नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ में हम टू का यूज नहीं करते, यहाँ पे केवल नीड का यूज किया जाता है। ठीक, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए मैंने टू पे राइट टिक किया हुआ है यानी टू का यूज हमारे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया हुआ है यानी टू का यूज यहाँ पे हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखिए नेक्स्ट है हमारा, जब हमारे नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो वो हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में भी बनते हैं, निगेटिव में भी बनते हैं और इंटरोगेटिव में भी बनते हैं। ठीक है, यानी मेन वर्ब के रूप में हम नीड का यूज करके हमारे सेंटेंस को हम तीनों तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव में, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में। बट जब हम नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो वो सेंटेंसेस हमारे केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही बनते हैं, ये सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव में वही नहीं बनते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम में अगर आपको हमारा जो नीड का यूज है वो मॉडल वर्ब के रूप में मिल रहा है और वो सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव में बना हुआ है तो वो हमारा सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखिए इसमें और एक चीज दूसरी, ठीक है, देखिए जब हम नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में हमारा नीड का यूज जो है तीनों टेंस में हो जाता है, यानी वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में भी बन सकते हैं, पास्ट में भी बन जाते हैं और फ्यूचर में भी बन जाते हैं। तीनों ही टेंस में हम नीड टू का यूज कर सकते हैं, बट जब हम नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तब वो हमारे सेंटेंसेस केवल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। ये सेंटेंसेस हमारे यानी मॉडल वर्ब के रूप में हम नीड का यूज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं करते हैं, केवल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ओके, क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इनको आप ध्यान से सुनिएगा और इनको काफी रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इन पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ही नीड्स टू गो देयर। ठीक है, ही नीड्स टू गो देयर, इसका अर्थ क्या है? पहले मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए, उसे वहां जाना चाहिए। ठीक, यह इसका मतलब कि उसे वहां जाना चाहिए, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसे वहां जाने की जरूरत है या उसे वहां जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तीनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमारे नीड में एस लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा देते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे देखिए ही की जगह पे आई वी यू दे अगर होता तो हम केवल नीड का यूज करते हैं। ठीक है ना, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए।
ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। बट यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए हमारा नीड के साथ में एस लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने नीड के साथ में टू का यूज किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। बट अगर हम इस वाक्य को इस तरह से बोलेंगे ही नीड गो देयर, तो हमारा ये सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। ही नीड गो देयर हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये हमारा देखिए पॉजिटिव में बन रहा है ये हमारा सेंटेंस, लेकिन हमारे ये जो मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज पॉजिटिव में नहीं होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ठीक। इसका अर्थ क्या स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहाँ पे देखिए हमारा नीड आ गया, और नीड के साथ में टू का यूज हो रहा है। ओके, यानी यहाँ पे हमारा नीड का यूज किस रूप में हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में। और हम इस वाक्य को देखिए, अब हम ये जो हमारा सेंटेंस है नीड का यूज हम निगेटिव में कर सकते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में हम नीड का यूज निगेटिव में कर सकते हैं, ठीक। तो हम इस सेंटेंस को देखिए मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर, ठीक। और इसका भी जो हमारे हिंदी में मीन आएगा वो हमारा सेम वो आएगा जो इसका है कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यानी ये जो है दोनों हमारे सिनोनिम है, हम इनको और करके बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डज ही नॉट नीड टू गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा इंटरोगेटिव में बना हुआ है ना। और इसको देखिए हम मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बना सकते हैं, नीड ही नॉट गो देयर, ठीक। और हिंदी में मीन हमारा दोनों का सेम आता है, यानी कि हम इसको भी और करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारे सिनोनिम है। इनको केवल जो हमारे सेंटेंसेस हैं, देखिए मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज और मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज, दोनों से केवल हमारे सेंटेंसेस बनाने का तरीका चेंज है, लेकिन इनका जो हिंदी में अर्थ आ रहा है, इनका जो मतलब है वो हमारा एक ही है, यानी ये जो है हमारे एक दूसरे के सिनोनिम है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट हमारा देखिए डू यू नीड टू गो देयर, ठीक, क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, ठीक। और इस सेंटेंस को हम देखिए मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बनाएंगे, नीड यू गो देयर, ठीक है ना, क्या बना हमारा, नीड यू गो देयर, ठीक। इसका भी हमारा सेम मीन आएगा कि क्या तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यार इसको भी देखिए हम और करके लिख सकते हैं, आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। देखिए हमने यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाई डज ही नॉट नीड टू गो देयर, इसका देखिए इसका मतलब क्या है, उसे वहां जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, ठीक। इसको देखिए हम मॉडल वर्ब के रूप में कैसे बनाएंगे, वाई नीड ही नॉट गो देयर, इसका मीन भी हमारा सेम आएगा, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इधर के जो मेरे सभी सेंटेंसेस हैं, यानी मेन वर्ब के रूप में जो हमारा नीड का यूज हो रहा है, उन सभी के साथ में देखिए मैंने नीड टू यूज किया हुआ है, ठीक है ना। बट जो मैंने मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज किया है, वहां केवल मैंने नीड का यूज किया हुआ है, ठीक है ना, ये देखिए। ओके, क्लियर, आगे आपको ये समझ में। तो ये है देखिए हमारे नीड के कुछ बेसिक रूल्स जो समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट रूल बताती हूं। स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट यूज, देखिए अभी मैंने आपको नीड का यूज प्रेजेंट टेंस में बताया था, ठीक है। अब मैं आपको इसका यूज बता रही हूँ पास्ट और फ्यूचर टेंस में, एक साथ ही मैं आपको बता दूंगी। देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने नीड का जो यूज किया हुआ है पास्ट टेंस में किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डायरेक्टली समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, शी नीडेड टू हेल्प द पुअर, ठीक। देखिए इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है कि उसे गरीबों की सहायता करने की जरूरत थी, ठीक है। यह हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसे गरीबों की सहायता करने की आवश्यकता थी, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी, ठीक है। तीनों तरह से हम इस वाक्य की हिंदी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए मैंने मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज किया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए हमारा नीड के साथ में टू आ गया। अब क्योंकि मैं ये पास्ट में बना रही हूँ, इसका जो मैं सेंटेंसेस है पास्ट में बना रही हूँ, तो इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गया, क्योंकि जो मेरा पहला सेंटेंस है ये मेरा सिंपल पास्ट में बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में नीड का यूज करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। यानी कि अगर हम इस वाक्य को इस तरह से बोलें कि शी नीडेड हेल्प द पुअर, तो हमारा ये सेंटेंस
गलत होगा क्योंकि पास्ट में नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होता है। क्लियर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शी डिड नॉट नीड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, उसे गरीबों की सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से बोलूंगी शी नीडेड नॉट हेल्प द पुअर तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है हमारा डिड शी नॉट नीड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या रहा है, इसका अर्थ आ रहा है कि क्या उसे गरीबों की सहायता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, और अगर हम इसको इस तरह से बोले कि नीडेड शी नॉट हेल्प द पुअर तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है व्हाई डिड शी नॉट नीड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है कि उसे गरीबों की सहायता करने की जरूरत क्यों नहीं थी। ठीक, बट अगर हम इस तरह से इसको बोलेंगे व्हाई नीडेड शी नॉट हेल्प द पुअर तो ये हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए सभी मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस में बनाए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारी ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है और इसके साथ में हमने नीडेड टू का यूज किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में बना हुआ है तो यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म आती है। हमने आपको टेंसेस पढ़ाए हुए हैं, वहां ये चीजें हमने आपको काफी डिटेल में पढ़ाई हुई है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया हमारा पास्ट टेंस, अब मैं आपको इसका यूज फ्यूचर टेंस में बताती हूँ कि फ्यूचर में हम कैसे करते हैं। देखिए फ्यूचर में भी हम नीड का यूज केवल मेन वर्ब के रूप में करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आई शैल नीड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, और इसको हम देखिए स्टूडेंट इस तरह से भी बोल सकते हैं, देखिए आई शैल सर्टेनली हेल्प द पुअर, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आई विल हेल्प द पुअर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने तीनों सेंटेंस बोले हुए हैं और ये तीनों मैंने और करके लिखे हुए। अब जो हमारा इसका हिंदी में मीन आएगा वो इसका हमारा तीनों का सेम आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट इसका, देखिए हिंदी में मीन की मैं गरीबों की सहायता जरूर करूंगा। ठीक है, या मैं गरीबों की सहायता अवश्य करूंगा। ठीक, यानी जो हमारे तीनों का जो हिंदी में मीन आएगा वो हमारा सेम आएगा, बस इस वाक्य को हम तीनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि आई शैल नीड हेल्प द पुअर तो स्टूडेंट्स मेरा ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में फ्यूचर टेंस में भी नहीं करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। यहाँ पे देखिए शैल था तो हमने नीड टू कर दिया था, यहाँ पे देखिए हमने नीड टू के स्थान पे सर्टेनली कर दिया, और अगर हम आई के साथ में विल का यूज करेंगे तो हमारा ना ही नीड टू आएगा और ना ही सर्टेनली आएगा। ओके, क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट यूज, देखिए नेक्स्ट है हमारा नीड नॉट हैव। देखिए नीड नॉट हैव का यूज हम कब करते हैं, देखिए यदि हमें किसी वाक्य में आवश्यकता थी, जरूरत थी या चाहिए थी शब्द दिए गए होते हैं, चाहिए था, तो इनके लिए हम नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि आवश्यकता थी, जरूरत थी, इसके लिए हमारा नीड नॉट हैव आ गया, यानी नीड के साथ में टू नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा केवल यूज क्या हो रहा है, नीड नॉट हैव। ठीक है, नीड नॉट हैव का यूज हम कब करते हैं, देखिए एक्शन वॉज कंप्लीटेड बट इट वॉज अननेसेसरी। ठीक है, यानी कि काम पूरा हो गया लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे यह है कि मतलब जो काम पूरा हो गया, जो काम कर लिया उसको करने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी किया, तो उसके लिए हम नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा नीड का यूज हो रहा है ये हमारा एज ए मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है। ठीक है, और मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है यानी जो इसके हमारे सेंटेंस बनेंगे वो या तो हमारे नेगेटिव में बनेंगे या हमारे इंटरोगेटिव में बनेंगे, पॉजिटिव में नहीं बनेंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। जैसे कि देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है यू नीड नॉट हैव कुक्ड फूड। ठीक है, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं थी या तुम्हें खाना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, या तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए था, इस तरह से हम इस वाक्य की हिंदी बोल सकते हैं। तीनों तरह से हम इस वाक्य को हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नीड का यूज हुआ वो हमारा देखिए मॉडल वर्ब के रूप में होगा, क्योंकि देखिए बट नीड के सब पे टू नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है नीड नॉट हैव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इन वाक्यों में हमारे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि देखिए हमारा हैव आ गया ना, तो इसके हमारे निगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट है हमारा नीड यू हैव कुक्ड फूड। ठीक है, क्या तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया हमारा नीड आ गया, और नीड यहाँ पे देखिए नीड हैव आ गया, और इसके साथ में हमारा क्या आ गया
थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में बना हुआ है। ओके, ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है, नीड यू नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, नीड नॉट हैव आ गया और हमारी क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, और ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव में बना हुआ है। क्लियर, आगे समझ में। देखिए यहाँ पे हमने नीड का, उसमें एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा काम पूरा हो गया होता है लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, आगे समझ में आपको ये रूल। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा नीड विद नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ में हम नीड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए उसका मैं आपको पहले सबसे पहले वर्ब पैटर्न बता देती हूँ, यानी कि हमें कैसे कैसे इसमें यूज करना है नीड का। तो देखिए इसका वर्ब पैटर्न है, सबसे पहले हमारा इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमारा नीड, नीड्स या नीडेड आता है हमारे सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद में हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया गया होता है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आई नीड यू। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, हमारा आई ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हमारा ये नीड आ गया, और उसके बाद में यू आ गया। यू क्या है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए नाउन और प्रोनाउन हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो वहां से आप जाके देख लीजिए कि क्या हमारे नाउन होते हैं और कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखिए फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए यदि हम किसी नाम का यूज करते, कोई नाम हमें दिया गया होता है तो वो हमारा नाउन होता है, और यदि किसी वाक्य में उस नाम के स्थान पर कुछ और दिया गया होता है तो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा यहाँ पे यू दिया गया है, तो हमारा यू क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, या मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, या मुझे तुम चाहिए। तीनों तरह से हम इस वाक्य को हिंदी में बोल सकते हैं। क्लियर, ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है आई नीड हर्षल, ठीक है ना, मुझे हर्षल की जरूरत है। ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा हर्षल है, हर्षल क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये नाउन आ गया। यू हमारा प्रोनाउन है और हर्षल हमारा नाउन है। ठीक है, ओके, ऐसे ही देखिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है शी नीडेड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ठीक, अब हमारे यहाँ पे देखिए नीडेड आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में पहुंच गया, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ही नीड्स ए पेन, उसे एक पेन की जरूरत है। ओके, ऐसे ही देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वी नीड वॉटर, हमें पानी चाहिए, या हमें पानी की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई डू नॉट नीड मनी, ठीक, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए, या तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ठीक, ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है Why does Sonu need a mobile? Sonu को मोबाइल की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ पे यूज बता दिया है नीड के साथ में नाउन और प्रोनाउन का। क्लियर, आगे समझ में। आई होप आपको ये दोनों ही रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे देखिए आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए गए हैं नीड के, यानी जो मैंने आपको भी नीड के जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं उन सभी पर बेस्ड मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। इसमें आपको खुद फाइंड करना है, आप इनको खुद समझेंगे सेंटेंसेस को, और इसमें आप खुद देखेंगे कि इसमें नीड का यूज किस वे में हो रहा है, यानी मॉडल वर्ब के रूप में हो रहा है या मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको इनको रीड करके बता देती हूँ, केवल मैं रीड करूंगी, बाकी आपको समझना खुद है इसमें। ठीक है, जैसे कि देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, फर्स्ट सेंटेंस है चाइल्ड नीडेड हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज दैट बॉय नीड। ओके, थर्ड है हाउ मच मनी डू यू नीड। नेक्स्ट हाउ मेनी बुक्स डिड वी नीड। नेक्स्ट है अंटिल व्हेन डू वी नीड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है पेशेंट नीड्स मेडिसिन। नेक्स्ट व्हाट डज हर्षल नीड। नेक्स्ट यू नीड नॉट हैव फोन्ड हर यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी डज नॉट नीड टू परचेज ए कार। ओके, और लास्ट है You need subscribe Academy 21. Okay? Clear? आप इसको नोट कर लीजिए पहले। Okay students, हो गए नोट। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया, आप इसमें खुद देखिए कि नीड का यूज किस वे में हो रहा है।
ओके, और इनके आप हिंदी भी खुद निकालिएगा, और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो स्टूडेंट्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. आज हमारा नीड का यूज कंप्लीट हो गया है और हमारी मॉडल वर्ब्स भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है. ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं. अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस सेंटेंसेस में भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो इनमें से भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.